सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग घर एक स्वर्ग है इस सब्जेक्ट पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। बीते 10 क्लास में किस प्रकार हमारा घर एक स्वर्ग है, उस स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाने वाले अनेकों बातों पर हम लोग मनन चिंतन करते आए। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे इस स्वर्ग जैसे घर को स्वर्ग बनाए रखने के लिए हमारे परिवार में 5 प्रकार के रिश्ता रिलेशनशिप होना जरूरी है। आइए इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करने के पूर्व में एक गीत के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर की महिमा करेंगे। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता प्यारे प्रभु यीशु, हम सारे हृदय से, सारे मन से, सारे बुद्धि और शक्ति से आपको प्यार करते हैं, हम आप में विश्वास करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में आइए, हमारे जीवन में आइए,
हमारे परिवार में आई, हमारे घर को स्वर्ग बनाए रखने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यह यीशु, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबों को अनुग्रह आशीष मिले प्रभु इस क्लास के द्वारा, उनका घर स्वर्ग बनने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। यीशु दया कर। हालेलुया। तो आप सबों को जय यीशु। क्लास शुरू होने के पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाइए, ताकि जब कभी कोई भी क्लास हमारे मिनिस्ट्री द्वारा अपलोड करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, एक भी क्लास मिस ना हो। यदि आप इससे पहले का कोई क्लास नहीं सुना है अभी तक, कृपया आदि से सुनने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हमारे घर में शांति प्रेम आनंद आवे। यदि घर हमारा शांतिपूर्वक जीने वाला एक जगह बन गया है, प्रभु में बढ़ने वाला एक जगह बन गया, वो जगह स्वर्ग बनता है। तो आप लोगों से अनुरोध है पूरे क्लास को सुने, और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा, अनेकों ऐसे घर है टूटे फूटे हैं, हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ऐसे क्लासों की जरूरत है, आप इस क्लास को जितनी कोशिश कीजिए, जितने लोगों को आप भेज सकते हैं उस लिंक को भेज दीजिए, ताकि लोग, अनेकों लोग इसे देखें, अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुधार लाएं। ये वचन केवल ऐसे सुनने के लिए नहीं, केवल ऐसे सुनने के लिए है, आप मत देखिए। हाँ, इसको सुने और जीवन में कहां परिवर्तन लाना है उस परिवर्तन के लिए प्रयत्न करना। इसलिए यह क्लास आरंभ होने के पहले जो अभी 11वां क्लास है, अपना घर एक स्वर्ग है, ये वाला सीरीज में 11वां क्लास है, और उस क्लास का पहला क्लास में मैंने कहा था, यदि ये क्लास को परिवार मिलकर के सुनेंगे, परिवार में जरूर एक मित्र भाव, जो भी तनाव, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, मिलकर के उस तनाव को दूर करने का हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो मिलकर के देखने का, परिवार मिलकर के इसको सुनने का, घर का हर एक व्यक्ति इस क्लास को सुने, तब हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। एक व्यक्ति सुधरने से सबों पर उसका फर्क नहीं होगा। कोशिश कीजिए घर के सब लोग ये वाला क्लास सुने। हम लोग घर एक स्वर्ग है इस सीरीज का 11वां क्लास है। तो आज के इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहा है, शायद एक दो क्लास लेना पड़ेगा, ये क्लास है परिवार में कुछ रिश्ता है, संबंध, रिलेशनशिप। कोई शादी भाग करके करते हैं, क्यों भाग करके करते हैं, क्योंकि उन लोग सोचते हैं वो दो जन का है, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, उनका संबंध है, उनकी बात है, हम मैच्योर हो गया है, हम अपने जीवन साथी को चुन सकता है, मुझे उनके साथ रहना है। ये गलत विचार है। विवाह दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशनशिप नहीं है। ईश्वर ने दो परिवार को जोड़ा है, दो परिवार ईश्वर में जो जुड़ता है उसको हम लोग विवाह कहते हैं। आदि में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की स्त्री और पुरुष के बीच में, और उनके बीच में विवाह करवाया। यदि हम लोग लूकस के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय दो, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय दो वहां पर वाक्य 18 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। उपयुक्त सहयोगी को बनाने के बाद
उस मनुष्य के उस पुरुष के सामने लेके आते हैं। वाक्य 23 जेनेसिस चैप्टर 2:23 वहां पर लिखा है, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस, यह कह करके उसे नारी बुला करके उस आदम ने उस नर ने उसको अपनाया। तब वाक्य 24:24 प्रभु ने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ये कह करके आदम और हेवा का विवाह करवाया। इसी बात को हम लोग मत्ती सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में भी पढ़ सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने इस वचन को बोलते हुए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 प्रभु ईसा मसीह इस वचन को बोलते हुए कहते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। ईश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे बोल करके ईसा मसीह ने विवाह को एक संस्कार बना दिया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1617 में हम इस विषय में पढ़ते हैं। 1613 वचनों में इसके विषय में लिखा हुआ है। ये कह करके ईश्वर ने एक संस्कार विवाह को एक संस्कार के रूप दे दिया, संस्कार बनाया। तो ये जो संस्कार विवाह संस्कार केवल वो लड़का और लड़की के बीच का ये एक होना ही नहीं, बल्कि वो लड़का और लड़की जिस परिवार से जुड़ा है वो परिवार भी आपस में जुड़ता है। क्यों? ये मसीह में जुड़ता है, केवल एक व्यक्ति को नहीं सारे संसार को ईसा मसीह में जोड़ने वाला प्रभु अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा उन्होंने कलीसिया को, पुरुष और स्त्री को, परिवार को, सब कुछ को जोड़ता है। और संत पौलुस इस बात को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। संत पौलुस विवाह को ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का प्रेम संबंध के रूप में बताया। हमारे संसार में रहते वक्त जो विवाह होता है वो ईसा मसीह के साथ हमारा प्रेम संबंध से जोड़ करके संत पौलुस हमें सिखाते हैं। एफेसियों का पत्र दिया है 5:21 में और वहां से लेकर के 33 तक का वचनों में भी यही लिखा हुआ है। सबसे पहले 22, 23 और 24 ये तीन वचन स्त्रियों से कहते हैं, पत्नियों का करके। किस प्रकार मसीह के अधीन कलीसिया रहती है उसी प्रकार पति के अधीन रहो, अर्थात मसीह के साथ जोड़ करके यहां बताया। इसके बाद वाक्य 25 से लेकर के आगे पुरुषों से कहते हैं तुम कलीसिया का मुख्य मसीह के स्थान पर है। जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया को प्यार किया उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पत्नी को प्यार करना है, अर्थात कलीसिया और मसीह के प्रेम संबंध को, इस संसार के विवाह संबंध को संत पौलुस ने जोड़ करके कहा। तो केवल दो व्यक्ति नहीं बल्कि दो परिवार है, समुदाय पूरा कलीसिया एक होने वाला, ये एक संस्कार है, जोड़ने वाला संस्कार, ईश्वर के प्रेम का एक संस्कार है।
विवाह संस्कार। यदि ईश्वरीय प्रेम कलीसिया में या विवाह में दिखना है, इसका मतलब ईश्वर का मतलब है पिता का प्रेम, पुत्र ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रेम, ये तीनों प्रेम विवाह में दिखना चाहिए, एक परिवार में दिखना चाहिए। परिवार तब स्वर्ग बनेगा, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, उनका वो प्रेम परिवार में बने रहता है। तो पांच रिलेशन में, पांच ऐसे रिश्ते में, पहला रिश्ता ईश्वर के साथ वाला रिश्ता, इसके विषय में मैंने पहले भी एक क्लास ले चुका है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण सबों को याद रखने के लिए बताया था, जो मधुमक्खी वाला कहानी। यदि मधुमक्खी पालन करना है, आपको एक मक्खी का पहचान करना जरूरी है, जिसका नाम है रानी मक्खी। और रानी मक्खी को पकड़ करके जहां कहीं भी आप रखोगे, बाकी मक्खियां सब वहां आएगा, छत्ता बनाएगा, मधु आएगा, सब कुछ मिलेगा। यदि रानी मक्खी को आप पकड़ने नहीं जान रहे हैं, रानी मक्खी को उसके छत पर नहीं लाते हैं, कोई अन्य मक्खियां वहां नहीं ठहरते। यदि हमारे घर में ईश्वर नहीं है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है, तो हमारे घर में चाहे कितना भी धन दौलत नौकरी सब कुछ है, उसका कोई फायदा नहीं। सबसे जरूरी है वो रानी मक्खी, बाकी सबको वहां लेके आएगा अपने आप। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज कर। यदि ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य आपको मिल गया, अर्थात ईश्वर मिल गया है, ईश्वर प्राप्ति हुआ है, तो बाकी सब उसके साथ जुड़ जाएगा। आपके जीवन के सारे जरूरतें उसके साथ पूर्ति होगा। कई लोग अपने जीवन में ईश्वर का भक्त बनते, प्रार्थना करते वक्त बड़े भक्ति के साथ, चर्च जाने के समय पर बड़े भक्ति के साथ, ऐसे प्रार्थनाओं के अवसर पर, चर्च जाने के अवसर पर बहुत बड़ा भक्त दिखता है। लेकिन वो प्रार्थना समाप्त होने के बाद, चर्च से बाहर निकलने के बाद, उसका वो भक्ति नहीं दिखता। इसलिए हमें भक्त की जरूरत नहीं, हमें एक धार्मिक जीवन जीने वाले, एक प्रभु का शिष्य बनकर के रहने की जरूरत है। धार्मिक जीवन अर्थात ईश्वर का शिष्य बनना, प्रभु का शिष्य बनने का मतलब है उनके पदचिन्हों पर चलने वाला, उनका स्वभाव हमारा स्वभाव बनकर के रहना। दिखावे वाला वो प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं, बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति वो है धर्म के मार्ग पर चलने वाला, प्रभु के उस रास्ते पर चलने वाला। अर्थात हमारा घर यदि स्वर्ग है, अन्य लोगों को दिखना चाहिए हम ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला है, क्रिस्त के रास्ते पर चलने वाला है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेम मेरे घर में है, इसको दिखाना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। तो ईश्वर का प्रेम हमारे घर में जब रहेगा, हमारा घर स्वर्ग बनेगा। तो सबसे पहला प्रेम पिता का प्रेम, पिता कौन है, वो सृष्टि करता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाता है विवाह के द्वारा ईश्वर ने क्या कार्य किया। आदम और हेवा का सृष्टि करने के बाद उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:28 में पति पत्नी के रूप में उन्हें जोड़ा, विवाह करवाया, इसके बाद उन्हें एक आशीर्वाद दिया। जेनेसिस चैप्टर 1:28, फलने फूलने का आशीर्वाद। अर्थात ईश्वर सृष्टि करता है, वो सृष्टि कर्म इस विवाह में रह करके उन्हें करना है। यही पिता का प्यार है, पिता का प्यार है। पिता का प्यार का मतलब है तुम प्यार में रहकर सृष्टि कर्म करो। प्रज्ञा ग्रंथ
चैप्टर 7 विजडम चैप्टर 7 प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 2 वहां पर ग्रंथकर्ता ने लिखा है, मैं संसर्ग के सुख के पश्चात वीर्य द्वारा 10 महीनों तक रक्त में बनता रहा। संसर्ग के सुख के पश्चात वीर्य द्वारा 10 महीनों तक रक्त में बनता रहा। यहां पर पति पत्नी का प्रेम संतानों को सृष्टि करने के लिए ईश्वर ने एक दूसरे की ओर जो आकर्षण दिया है पति पत्नी के बीच में, वो प्रेम संबंध संतानों की सृष्टि करने के लिए, अर्थात ईश्वर ने अपना वो पितृत्व, पिता सृष्टिकर्ता का वो स्थान पति पत्नी को दंपतियों को दे दिया है। इसलिए पिता का प्रेम विवाह के अंदर परिवार में सृष्टि कर्म के द्वारा हमें दिखाना, प्रकट करना जरूरी है। आजकल फैशन हो गया है, पहले सरकार ने मेरे में 70 के समय पर एक नारा शुरू किया फैमिली प्लानिंग के नाम पर, हम दो हमारे थे। इसके बाद उस नारा को बदल करके हम दो हमारे दो कर दिए। आजकल उस नारा को फिर से बदला गया, वो बना करके हम दो दो एक बन गए, हम एक है हमारा एक बना दिया। कितना गलत नारा। ईश्वर ने विवाह सृष्टि कर्म के लिए, एक बच्चे के लिए नहीं, एक समुदाय की सृष्टि के लिए, फलो फूलो संसार में फैल जाओ। विवाह करने के बाद अभी संतान नहीं चाहिए, सेटल होने दो, ऐसे ऐसे विचार रखना, यह भी इस पिता के प्यार का, इस आज्ञा का विरुद्ध उल्लंघन है, पाप है। इस आज्ञा का उल्लंघन है, पाप है। उसके लिए हमें पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना भी जरूरी है। विवाह किया, अनेकों लोग सोचते हैं संतान के बगैर हमें फ्रीडम है, आजादी है, कुछ समय ऐसा आजादी में, फ्रीडम में घूमना। लेकिन एक परिवार बनता है संतानों के साथ। अनेकों लोगों का जीवन मुझे मालूम है, बाद में संतान ना होने का कारण भी यही है, उन्होंने पहले संतान होने से मना किया, उसके लिए रुकावट डाल दिया, यह भी एक पाप है। कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार का पाप करने वालों को पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने के लिए मना करते हैं। कैनन लो 1323 और 24, कैनन लो के 1323 और 24 जो संतान को नाश करता है, गर्भपात करता है, संतान नहीं चाहिए बोल करके जीवन जीना, ऐसे लोगों को परम प्रसाद को प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त, रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करने के लिए मना करते हैं। क्योंकि ये प्रभु के इस आज्ञा का फलने फूलने का जो आशीर्वाद, पितृत्व जो दिया, पिता का जो प्रेम घर में दिखना है, उसका विरुद्ध पाप है। अनेकों लोग प्रसव नहीं करना चाहता है, इसलिए किराए के बच्चेदानी लेते हैं। किराए के बच्चेदानी आजकल भारत देश में भी अनुमति है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेगरी ऑफ कैथोलिक चर्च 2376 और 77 2376 और 77 में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बच्चा जिसे कहते हैं, और किराए का जो बच्चेदानी देना लेना, ये पाप ठहराया है, ये ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। संतान नहीं चाहिए बोल के किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल गलत तरीके इस्तेमाल करना, कोई भी तरीका संतान को ना जन्म लेने के लिए रुकावट डालने वाला, ये सब इसको पाप मानते हैं, क्योंकि पिता का प्रेम का विरुद्ध है। अर्थात पिता का उस प्रेम
मेरे घर में मेरे वैवाहिक जीवन में नहीं चाहिए बोल करके उसका तिरस्कार करना है, संतानों को जन्म लेने से मना करना। आइए हम उस प्रकार के पाप के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। जब तक पिता का प्यार वैवाहिक जीवन में नहीं है, वो बाकी जो नौटंकियां हैं, जो प्रेम का दिखावा है, वो गलत है। संतान के बगैर शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति करना ही, शारीरिक सुखों को ढूंढना ही अगर लक्ष्य रखा है विवाह का, ये गलत लक्ष्य रखा है, ये गलत है। पिता का प्रेम घर में दिखना जरूरी है। अभी पुत्र ईसा मसीह का प्रेम का क्या मतलब है? पुत्र ईसा मसीह संसार में आए, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर उन पापों के लिए प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा अपना रक्त के कीमत पर प्रभु ने मानव जाति के जो पाप है, पाप के कारण ईश्वर के बीच, मनुष्य और ईश्वर के बीच जो संबंध टूट गया था, उसको पुनस्थापित किया। और इस द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु द्वारा हमारे विवाह में जो भी दरार हुआ है पति पत्नी के बीच में, या परिवार के अन्य लोगों के बीच में जो दरारें उत्पन्न हुआ, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हुआ, मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा उन पापों को अपने ऊपर लेकर के उस क्रूस से बहने वाले कृपाओं के द्वारा परिवार को बचाया है। इसलिए विवाह एक संस्कार है, क्योंकि परिवार की जो भी कमियां हैं, मनुष्यों के पति पत्नी माता पिता बच्चे किसी का भी, जो भी परिवार में रहने वालों के जो भी पाप है, कमियां हैं, वो जो दरार ईसा मसीह अपने क्रूस के द्वारा पूर्ति करता है, मिटाता है, मेल मिलाप कराता है। इसलिए विवाह परिवार क्रिस्त में एक बनकर के रहना है। क्रिस्त में एक बनने का मतलब हो गया क्रिस्त का प्रेम परिवार में रहने वाले हर एक व्यक्ति में दिखना चाहिए। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में, एफेसियन चैप्टर 5:21 में, इसीलिए संत पौलुस ने कहा मसीह के कारण हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। ईसा मसीह अपने को विनम्र बनाया। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 फिलिपियंस चैप्टर 2:5 में लिखा है, आप अपना मनोभाव प्रभु ईसा मसीह के मनोभाव के समान बनाओ। जब पति पत्नी मसीह के उस मनोभाव में आएगा, एक दूसरे के सामने अपने को विनम्र करेगा, तब उस घर में ईसा मसीह का प्यार दिखेगा। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने वाला, झगड़ा करने वाला नहीं, बल्कि एक दूसरे को बचाने वाला बनना है। ईसा मसीह बचाने वाला है। ईसा मसीह का प्यार का मतलब हो गया हम एक दूसरे को बचाएगा। यदि कोई व्यक्ति पाप में है, प्रार्थना नहीं है, प्रभु से दूर है, दूसरे व्यक्ति के जीवन उनको प्रभु की ओर लेके आने वाला, बचाने वाला बनना है। अगर पति नशा करता है, पत्नी झगड़ालू नहीं बनना। उनके वो पीने का आदत छुड़ाने के लिए पत्नी को अपने घुटनों में आने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। कुरिंथियों को लिखते हुए संत पौलुस इसलिए बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। कुरिंथियों का पहला पत्र दिया है 7:14 1 Corinthians 7:14 वहां पर लिखा है, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति के द्वारा पवित्र की गई है।
अर्थात ईसा मसीह हमें पवित्र करने वाला, उनके रक्त के द्वारा हम पवित्र किए गए। ईसा मसीह का प्रेम जिस व्यक्ति में है वो दूसरों को पवित्र करने वाला बनना है। पति को पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता, इस प्रकार एक दूसरे के उन्नति के लिए उनको स्वर्ग पहुंचाने का कार्य करने वाला बनने की जरूरत है। अनेकों बार में एक रॉकेट की कहानी सब लोगों को सुनाता हूं। रॉकेट्स हम लोग कई बार छोटे छोटे रॉकेट को भी इस्तेमाल करते हैं, वही नियम है बड़े वाला जो रॉकेट। छोटे रॉकेट में क्या होता है, जो क्रिसमस में दिवाली में सब हम लोग जलाते हैं, जब उसको जलाते हैं वो आग हम लोग देखते हैं वो पीछे की तरफ नीचे की तरफ भागते हैं, उसी प्रेशर में ये रॉकेट आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार वो रॉकेट के अंदर जो बारूद जो दवाई जो डाला है, पाउडर डाला है, वो जल जल करके अपने को जल जल करके नष्ट करते हुए वो उसका लक्ष्य स्थान की ओर लेके जाते हैं। जो बड़ा वाला रॉकेट है वो सैटेलाइट को लेके जाते हैं, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको हम लोग कम्युनिकेशन आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस सैटेलाइट को करीब 36,000 किलोमीटर भूमि से ऊपर लेके जाना है। उसके लिए इस रॉकेट का तीन भाग है, पहला भाग जब जल जल करके नष्ट होगा उस समुद्र में गिरेगा, दूसरा भाग इसके बाद जलना शुरू होगा वो भी जल जल करके इस सैटेलाइट को भयंकर 1 टन 2 टन 3 टन इतना पता नहीं कितना टन का भयंकर भार को लेकर के ऊपर जा रहा है। वो ऊपर लेके जाते जाते सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए इस रॉकेट को नष्ट होना जरूरी है। यही तो पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के सामने अपने को विनम्र कीजिए। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2:3-4 में ही लिखा है, आप एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो, एक दूसरे का आदर सम्मान करो, तब वो जो सैटेलाइट वो व्यक्ति को हम ऊपर स्वर्ग पहुंचा सकता है। हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा, हमारी सहन, ये हम दूसरों को अपने परिवार को स्वर्ग पहुंचा सकता है। जिस प्रकार सैटेलाइट को उसके उस 36,000 किलोमीटर दूर में वो जो भ्रमण स्थान पर लेके जाता है, ऑर्बिट में लेके जाता है, उसी प्रकार हमारा लक्ष्य हमारे परिवार को स्वर्ग पहुंचाना, मेरे पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को मुझे स्वर्ग पहुंचाना है। उसके लिए मुझे विनम्र बनना है। मसीह का प्रेम ये इसके लिए हमें मदद देता है। मसीह का प्रेम जिसके हृदय में, वो इस प्रकार अपने को विनम्र कर सकता है। पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा क्या करता है, वो पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है, पिता पुत्र को एक बनाने वाला आत्मा है। कहीं भी पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा नहीं, ऊंच नीच के विचार नहीं, एक दूसरे के लिए, इसलिए वो एक ईश्वर है। ईसा मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा है, वो दोनों एक इसलिए हैं, वो पवित्र आत्मा उन्हें एक बनाया। एक विवाह में यही तो होता है, स्त्री और पुरुष से पहले कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, विवाह संस्कार के द्वारा एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार का एक संबंध ये पवित्र आत्मा लाता है। जब कलीसिया में विवाह संस्कार को ग्रहण करता है, यही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में आते हैं। मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 2:14 में साफ साफ इसके विषय में लिखा है, वहां पर लिखा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है, तुमने तो उस धर्म व्यक्ति के साथ
विश्वासघात किया, जिसको अर्धाग्नि बनाने के लिए तुमने उसका पाणिग्रह किया। क्या उसने ईश्वर ने उन्हें एक नहीं बनाया? एक तन, एक मन, एक तन और एक मन, एक प्राण, एक जीवन, ये पति और पत्नी बनने के लिए कारण है वो पवित्र आत्मा। विवाह में हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करना जरूरी है। पवित्र आत्मा जिस पति पत्नी में है, जिन बच्चों के बीच में है, पारिवारिक ये जो पांच रिश्ता यदि बनाए रखना है, ये पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा पति और पत्नी को एक शरीर और एक प्राण बनाता है, एक आत्मा बनता है। इसके बाद वो दो नहीं, दो तरीके से नहीं सोचते, एक है करके ये विचार लाने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। तो परिवार के पांच जो रिश्ता हमें बनाए रखना है, तो पहला जो रिश्ता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के साथ हमारा एक संबंध, पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम जब परिवार में रहेगा, परिवार स्वर्ग बनेगा। अगले क्लास में हम लोग बाकी जो चार रिश्ता है उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आइए हमारे परिवार में पिता का वो सृष्टि कर्म का प्यार दीजिए, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे नॉलेज में यदि कोई भी ऐसा संतान है उनको याद कीजिए, उनके लिए संतान के लिए मांग कीजिए। हमारे बीच से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे क्रिस्तीय लोगों के बीच से किसी भी प्रकार का अबोर्शन हमें बंद करना है। बच्चा नहीं चाहिए विचार हमारे मन से निकालना है। अबोर्शन चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमें उसके लिए पश्चाताप करना है। ये पिता का प्रेम का विरुद्ध है। पिता ने सृष्टि कर्म करने के लिए हमें पति पत्नी बनाया। इस सृष्टि कर्म के विरुद्ध जो भी विचार है वो शैतान का विचार, नाश करने वाला, नष्ट करने वाला, तोड़ने वाला, परिवार को टुकड़े टुकड़े करने वाला विचार, निर्णय कीजिए। यदि संतान नहीं है, किसी भी गलत तरीके से संतान के लिए नहीं जाएंगे, IVF कराने के लिए नहीं जाएंगे, किराए के बच्चेदानी के लिए नहीं जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु ने हमें रखा है उसी प्रकार रहने का हमें निर्णय करना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 2379 और 1654, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2389 और 1654, यहां पर हम लोग देखते हैं निसंतानता कोई शाप नहीं, कोई दंड नहीं, वो एक अवस्था है। प्रार्थना करके देखिए, ट्रीटमेंट करके देखिए, यदि ईश्वर संतान नहीं दे रहा है उस अवस्था को स्वीकार कीजिए। हो सकता है अनाथों का माता पिता बनाने के लिए, किसी को आपको गोद लेने के लिए, या समाज की सेवा, कलीसिया की सेवा करते हुए अपने जीवन जीने के लिए प्रभु ने चुना होगा। यदि इस विवाह जीवन में ईश्वर ने हमें संतान नहीं दिया, हमारी गलती नहीं, हम चाहते हुए नहीं संतान नहीं दिया, निसंतानता कोई शाप नहीं है, यहां पर साफ साफ बताया है अनाथों का माता पिता बनिए, प्रभु के अनुग्रह आशीर्वाद वहां पर ज्यादा रहेगा। लेकिन कोई IVF करना, किराए के
बचदान ही लेना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोगों को परम प्रसाद कलीसिया से ग्रहण करना मना होता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे घर में निरंतर रहे। अपने घर को समर्पित कीजिए, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित कीजिए। पांच रिश्ता हमें अपने घर में बनाए रखना है। ईश्वर के साथ का वो पहला प्यार निर्णय कीजिए। हम इस प्रेम में रहेंगे, ईश्वर के साथ जुड़कर रहेंगे, ईश्वर का शिष्य बनकर के एक धार्मिक जीवन जीने वाला बनकर के रहेंगे। सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12:30, मार्क चैप्टर 12:30, पूर्ण हृदय से हम उसे प्यार करेंगे। प्रभु के लिए जो दान देना है वो देंगे। प्रभु के साथ हम अपने रिश्ता मजबूत बनाए रखेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु की कृपा अनुग्रह आप लोगों को सदा मिलता रहे।